हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स रिलेशनल एक्सप्रेशन के दूंगा। तो पहला एग्जांपल है, सपोज अगर हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का 3 less than 5 एंड समथिंग लाइक मैंने लिख दिया 0/0, राइट, 0/0। सो अगर मैं अब एंटर करता हूँ तो आई एम गेटिंग द आंसर एज लॉजिकल 1, यानी कि इसका कंप्लीट आंसर जो आया है वो 1 है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं कि मैं पहले 0/0 लिख देता हूं, देन और ऑपरेटर, देन 3 less than 5, तो अगर हम देखें तो एक तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन ये था, सेकंड ये था, राइट। यहां पर हमने जस्ट पोजीशन शिफ्ट कर दिया, तो क्योंकि जस्ट पोजीशन शिफ्ट किया और हमें ये पता है कि और ऑपरेटर सिंपल कंबाइन करता है दो क्वेश्चन के आंसर्स को, राइट। तो अगर तो इस ये जो सेकंड एक्सप्रेशन हमने लिखा है तो इसका भी आंसर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यही आएगा, बट अगर मैं एंटर करता हूँ तो आई एम गेटिंग अ एरर, राइट। एन ए एन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू लॉजिकल, राइट। बट अगर ये एरर है तो यहाँ पर क्यों नहीं एरर आया? सो यहाँ पर फर्स्ट इस एक्सप्रेशन में एरर इसलिए नहीं आया है बिकॉज मैटलैब क्या करता है, बिकॉज यहाँ पर हमने और ऑपरेटर लगाया है और ऑपरेटर का हम पता है कि और ऑपरेटर फॉल्स यानी कि 0 आउटपुट तभी देता है अगर दोनों क्वेश्चन के आंसर 0 है, वेयर एज अगर एक का भी आंसर 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। तो मैटलैब क्या करता है कि यहाँ पर जो ये पहला क्वेश्चन है, बिकॉज इसका जो आंसर है ये ही हमारा 1 हो गया है, ओके, तो मैटलैब दूसरे क्वेश्चन से पूछता ही नहीं है कि भाई आंसर 1 होगा या 0 होगा, बिकॉज 1 हो या 0 हो, इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर 1 हो या 0 हो, ओवरऑल आंसर इट विल बी 1 बिकॉज इसका आंसर 1 हो गया। सो टाइम को रिड्यूस करने के लिए अगर पहले का आंसर 1 हो गया है तो इस सेकंड क्वेश्चन की तरफ वो आता ही नहीं है, यानी कि मैटलैब इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करता, और क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो मैटलैब इसको ये नहीं पता कर पाता कि भाई ये अलाउ है भी या नहीं है, ओके, कोई एरर तो नहीं आएगा। तो इट इज़ द रीज़न कि जब हमने ये फर्स्ट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट किया तो ये तो आंसर दे दिया, लेकिन जब हमने ये एग्जीक्यूट किया तो आंसर नहीं आया। तो इससे क्या होता है कि अगर यहाँ पर तो ठीक है ये चल गया, लेकिन अगर सपोज मेरा ये होता लाइक ये, नाउ ये वाला भी इसका 0 आंसर है, अब अगर मैं इसको एंटर करता हूँ नाउ आई एम गेटिंग दी एरर। तो यानी कि अगर यहाँ पर मेरा इंस्टेड ऑफ लाइक सपोज मैंने कोई वेरिएबल बनाया है x=3, राइट, अब x=3 और यहाँ पर मैंने 3 की जगह अगर x लिखा हुआ है तो अब तो चल जाएगा, लेकिन अगर मैंने अब x की वैल्यू सपोज मैंने 7 कर दी और अब मैं सेम एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ जो कि अभी यहाँ एग्जीक्यूट किया था, नाउ सेम एक्सप्रेशन मेरे को एरर देगा, ओके। तो यानी कि जब मैंने ये एग्जीक्यूट किया तो इस केस में तो उसने दे दिया सही आंसर क्योंकि x की वैल्यू 3 थी, तो ये पहला एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हो गया, लेकिन दूसरे केस में उसने फॉल्स दे दिया, ओके। तो जब भी हम दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे दोनों क्वेश्चन प्रॉपर सही सिंटेक्स में लिखे हो, राइट। एंड सेम थिंग हैपन्स फॉर द एंड ऑपरेटर कि सपोज अगर मैंने लिखा हुआ है कुछ इस टाइप का दिस, राइट, अब एंड ऑपरेटर का क्या होता है कि एंड ऑपरेटर 1 तभी देता है अगर दोनों के आंसर 2 है, राइट। तो यहाँ पर इस केस में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि एंड ऑपरेटर दोनों ही चेक करेगा हमेशा, है ना। लेकिन किस केस में वो चेक नहीं करेगा, जिस केस में लाइक जैसे कि यहाँ पर एक्स अगर एक भी एक एंड गेट का ये भी होता है कि अगर एक भी आंसर फॉल्स हो गया यानी ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा, तो इस केस में जैसे एक्स की वैल्यू 7 है तो ये जो है इसका आंसर फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया तो अब ये जो मैटलैब है इसको चेक ही नहीं करेगा क्योंकि ये तो फॉल्स हो गया, तो यानी ये 1 हो या 0 हो, सेकेंड क्वेश्चन 1 हो या 0, ठीक है, आंसर तो फॉल्स ही आना है, तो इसीलिए यहाँ पर तो ये एग्जीक्यूट हो गया लॉजिकल 0। बट अगर हमने x की वैल्यू को 3 कर दिया
और अब अगर एग्जीक्यूट करेंगे देन ये आंसर हमें गलत देगा। ओके, सो हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। ओके, सो ये तो एक फर्स्ट हो गया। अब दूसरी कैटेगरी, इसको मैं रिमूव करता हूँ, क्लिंग करता हूँ। अब दूसरी कैटेगरी होती है कि सपोज मैंने x की वैल्यू 3 ले रखी है। अब अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं कुछ इस टाइप का, 4 लेस देन x लेस देन 8। ओके, तो अब अगर हम मैथमेटिकली देखें या फिर अगर हम मैथमेटिकली देखें तो क्योंकि x की वैल्यू 3 है एंड 3 इस रेंज में लाई नहीं कर रहे हैं तो आंसर आना चाहिए फॉल्स कि 3 यानी x की वैल्यू इस रेंज में एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 1। ओके, अगर हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी की बात करें तो सी में तो इस टाइप का एक्सप्रेशन लिख ही नहीं सकते, राइट? वो एरर, सिंटेक्स एरर दे देते हैं। तो यहाँ पर मैटलैब ने सिंटेक्स एरर तो नहीं दिया लेकिन 1 दे दिया, जबकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वही आंसर देगा 0। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मैटलैब, हमने पढ़ा था अबाउट दी ऑपरेटर प्रीसीडेंस रूल एंड एसोसिएटिविटी रूल। तो एज पर द प्रीसीडेंस रूल एंड एसोसिएटिविटी रूल हमारे यहाँ पर 2 लेस देन साइन है, यानी दोनों की सेम प्रायोरिटी है। सेम प्रायोरिटी है तो हम एसोसिएटिविटी रूल लगाइए। एसोसिएटिविटी रूल क्या करता है कि जो ऑपरेटर फर्स्ट आया मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, मीन्स यहाँ से 4 से 8 की तरफ, तो जो फर्स्ट ऑपरेटर है सबसे पहले ये आया तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। इसका आंसर जो भी आएगा देन, यानी कि 4 लेस देन x, सो 4 लेस देन x का क्या आंसर होगा, x की वैल्यू है 3, तो 4 लेस देन 3 आंसर विल बी 0, यानी कि ये जो इसका आंसर है दैट इज फॉल्स, यानी कि 0 0 आ गया, तो दैट 0 इज लेस देन 8। अब 0 लेस देन 8 वो तो सही है, 0 लेस देन 8, तो क्योंकि 0 लेस देन 8 सही है तो इसीलिए आंसर 1 आ गया, राइट? इसको यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा क्वेश्चन है कि x हमारा है 3 और हमने लिखा है 4 लेस देन x लेस देन 8, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे एसोसिएटिविटी रूल से कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 लेस देन x को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी कि 4 लेस देन 3। अब इसका आंसर तो आएगा 0 क्योंकि 4 3 से बड़ा है। अब इसके बाद हम ये वाला एग्जीक्यूट करेंगे तो यानी 0 लेस देन 8 हो जाएगा, तो 0 लेस देन 8 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो हमें तो लग रहा है कि हम मैथमेटिकली देखें तो आंसर शुड बी 0 यानी कि फॉल्स, ठीक है? बट जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मैटलैब या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस टाइप की चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करती, फॉलो नहीं करती। मैथमेटिकली पॉसिबल है बट प्रोग्रामिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस टाइप का एक्सप्रेशन प्रोग्रामिंग में नाम लिखें। ओके, सो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये और दूसरी ये। ओके, सो इन दोनों को ध्यान रखिएगा एंड अगर कोई डाउट है तो YouTube के कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।